नालंदा में बहुचर्चित पति पत्नी और उनके बेटा और बेटी की हत्या के मामले में 5 दोषी अभियुक्तों को कोर्ट ने सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। नालंदा जिले में बहुचर्चित पति पत्नी और उनके बेटा बेटी की हत्या के मामले में बिहारशरीफ व्यवहार न्यायालय के एडीजे 6 धीरज कुमार भास्कर ने हत्या के 5 दोषी अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पूरा मामला नालंदा जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र के सर्वोदय नगर से जुड़ा हुआ है। आरोपियों में देवीसराय निवासी स्वर्गीय कमिंदर पासवान का पुत्र बीरेन पासवान उर्फ बीरेंदर, मघड़ा गांव निवासी स्वर्गीय सौखी पासवान का पुत्र राम प्रवेश पासवान और सुरेंद्र पासवान का पुत्र प्रदीप पासवान, वहीं सर्वोदय नगर निवासी मंगल पासवान का पुत्र महेंद्र पासवान एवं राजा राम पासवान का पुत्र चंदन पासवान उर्फ टुनटुन पासवान है। एपीपी एसएम असलम ने अभियोजन पक्ष की ओर से बहस करते हुए सुनवाई के दौरान कुल 11 लोगों की गवाही कराई थी और बचाव पक्ष की ओर से शिशुपाल कुमार ने बहस किया। सूचक मृतका नेहा कुमारी के पिता प्रभुवन प्रसाद पटना जिला के मसौढ़ी थाना क्षेत्र के लक्की बिघा गांव के निवासी हैं। आरोपित के वकील ने बताया कि सूचक ने 2 अक्टूबर 2020 को अपनी पुत्री को फोन किया था, लेकिन फोन स्विच ऑफ था और 2 दिनों तक फोन करने का प्रयास करते रहे। 5 अक्टूबर को वह सर्वोदय नगर पहुंचे, घर के मुख्य दरवाजे पर ताला लगा था और घर से बदबू आ रहे थे। घर के अंदर से उनकी पुत्री नेहा कुमारी, दामाद रवि कुमार, नाती अहान व नतनी जेना का शव बरामद किया गया। घर में एक किराएदार रहता था और सूचक ने जमीन हथियाने और संपत्ति को कब्जा करने के लिए हत्या करने का आरोप लगाया था। दीपनगर थाना में आईपीसी की धारा 302, 120 बी और 34 के तहत कांड संख्या 338/2020 दर्ज किया गया था। इस मामले में आज बिहारशरीफ व्यवहार न्यायालय के एडीजे 6 धीरज कुमार भास्कर ने हत्या के 5 दोषी अभियुक्तों वीरेन पासवान उर्फ बीरेंदर, राम प्रवेश पासवान, प्रदीप पासवान, महेंद्र पासवान, चंदन पासवान उर्फ टुनटुन पासवान को आईपीसी की धारा 302 में सश्रम आजीवन कारावास के साथ 25,000 रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर 6 माह अतिरिक्त साधारण कारावास एवं आईपीसी की धारा 120 बी के तहत 10 वर्ष सश्रम कारावास के साथ 5,000 रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई गई है और अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर 6 माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है और सभी सजा साथ साथ चलेगी। नालंदा जिले में हुए इस बहुचर्चित हत्या के बाद पूरे जिले में हड़कंप मच गया था और एक साथ 4 हत्या होने के बाद लोग तरह तरह के सवाल खड़ा कर रहे थे, लेकिन इस मामले में कुछ नया मोड़ आया और संपत्ति हथियाने के कारण रिश्तेदारों ने ही एक साथ 4 लोगों की हत्या कर दी थी और आज न्यायालय ने इस मामले के 5 दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।